हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? फाइनली आई एम लाइव नाउ। मेरी आवाज क्लियर है गाइस? एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, मैं भी देख लेता हूँ मेरी आवाज क्लियर है गाइस। आवाज क्लियर है गाइस मेरी? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो हेलो हेलो, आवाज क्लियर है गाइस? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए चलिए चलिए, फाइनली बहुत दिनों से इंतजार था अनअकैडमी लाइव का, हम लोग आई गए हैं, ठीक है, और अब आने वाला है बहुत ज्यादा मजा, ठीक है भाई। फैला दीजिए, दोस्तों को बुला लीजिए, सबको बुला लीजिए, हम लोग जो है लाइव आ चुके हैं। सबको जल्दी से, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से जाके खबर फैला दो कि भैया हम लोग लाइव आ चुके हैं। बड़ा मजा आने वाला है गाइस, ठीक है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा मजा आने वाला है। तो हेलो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल वेल, होप यू ऑल वेल गाइस। चलिए, सो जब तक सब लोग आ रहे हैं तब तक बात करते हैं थोड़ी सी अपनी, थोड़ी सी अनअकैडमी। देखिए आप लोगों को पता ही है अनअकैडमी के बारे में, ठीक है, मेरे बारे में भले ही कम पता हो लेकिन अनअकैडमी के बारे में सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है अनअकैडमी के बारे में। क्या ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है? इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, नो डाउट सबको पता है, ठीक है। अब अनअकैडमी में आपको पता होना चाहिए क्या होगा। अनअकैडमी बेसिकली आपको दो टाइप की क्लासेस देती है। पहली अगर मैं बताऊं तो एक सब्सक्रिप्शन क्लासेस देती है, जिसे हम लोग प्लस क्लासेस बोलते हैं, और एक नॉर्मल क्लासेस, ठीक है, जैसे हमारी फ्री है यूट्यूब पे। तो मेरा मानना यह है कि हम लोगों को एक सब्सक्रिप्शन क्लास जो होता है वो भी लेना चाहिए। उससे क्या फायदे होते हैं जब मैं आपको बताऊं, तो अनअकैडमी आपको डेली लाइव क्लासेस देता है, डेली लाइव क्लासेस। अब आप कहोगे सर यूट्यूब पे डेली लाइव क्लासेस मिलती तो है, तो देखिए जो यूट्यूब पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं और जो हमारी सब्सक्रिप्शन वाली क्लासेस होती हैं उसमें बहुत फर्क होता है, ठीक है। डेली लाइव क्लास आपके लिए वो क्या होता है ना, जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उसमें बेसिकली एक दिन क्लास होगी, एक दिन छुट्टी जाएगी, संडे को ऑफ होगा, ठीक है, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन हमारे अनअकैडमी पे डेली लाइव क्लास में आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। आप डेली किसी भी टॉपिक को अगर आप डेली पढ़ रहे हो और वीक में 2 दिन या 3 दिन पढ़ रहे हो, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, एक रेगुलरिटी बनी रहती है। तो एक सब्सक्रिप्शन प्लान आपको डेली लाइव क्लास देता है, ठीक है। जो हमारा कोर्स होता है अनअकैडमी का, वो बेसिकली आपको प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर पैटर्न, आपको पता होगा सीबीएसई 2020-2021 में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत 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 ज्यादा चेंजेस आए हैं। बहुत सारे टीचर्स को पता ही नहीं होता, लेकिन हम लोगों को पता भी है, हमारे पास प्रॉपर पर्टिकुलर नोट्स भी हैं, ठीक है। तो हम आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज माइंड मैप्स नोट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अब देखो मेरा मानना यह है कि डी राइटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन राइटिंग, मतलब जिंदगी में आपको क्या लिखना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सच में जिंदगी में आपको क्या नहीं लिखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे पता चलता है कि हमें पेपर में क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए, ये पता चलता है हमारे टेस्ट से, हमारी टेस्ट सीरीज से। तो बेसिकली यार कोई ऐसा चाहिए ना जो डेली मुझे जज करे, कोई ऐसा चाहिए जो डेली मेरे टेस्ट को देखे या टेस्ट ले मेरा। कौन है वैसा? हम लोग हैं, तो टेंशन मत लीजिए। तो अनअकैडमी आपको डेली लाइव क्लासेस, डेली क्विज देती है। आप जैसे मान लीजिए रात के 2 बज रहे हैं, कोई नहीं है, आप अकेले हैं, पर आप पढ़ना चाहते हैं, आप टेस्ट देना चाहते हैं, आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम आपको फ्री में, और नो डाउट फ्री में भी, और बहुत सारे ऐसे क्विज भी देंगे, बहुत सारे ऐसे टेस्ट भी देंगे जो हमें सब्सक्रिप्शन प्लान में भी होते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस, सबसे बड़ी बात, सबसे पहली चीज वही लगती है अनअकैडमी की, अनलिमिटेड एक्सेस। आप कहीं और प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, एक एक्सेस दो एक्सेस खत्म भैया, ठीक है। ऑफलाइन जाओ तो ऑफलाइन में क्या होता है, एक क्लास खत्म ना, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में आना। अब आप मान लो उस क्लास में कोई चीज मिस कर गए, कैसे पता चलेगा, भूल गए? तो यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, आप एक ही वीडियो को बार बार रोक के, पॉज करके, पीछे करके, आगे करके देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, जो डेली लाइव क्लास लेते हैं वो टॉप एजुकेटर्स होते हैं। देखिए मैं अपने आप को टॉप नहीं मानता, मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, वो तो आप लोगों का प्यार है जिन्होंने मुझे बड़ा कर रखा है। तो अनअकैडमी आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ाता है, जो अपने फील्ड में माहिर है, मास्टर्स हैं जो अपने फील्ड में, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, सारे मेरे गुरु लोग हैं, ठीक है, जो आपने नाम सुने होंगे, नहीं सुने तो आप बेसिकली सुनना ही सुनना है, ठीक है। तो बहुत टॉप एजुकेटर्स आपको मिलते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान में। और मैं आपको बताऊं तो जैसे मान लीजिए मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आपने मुझे देख के सब्सक्रिप्शन प्लान ले लिया इंग्लिश का, अब आप सोच रहे हो कि आप बस इंग्लिश पढ़ेंगे क्या, तो ऐसा नहीं है। आप हमारे प्लान में
इंग्लिश के साथ साथ जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे आप साइंस से बिलोंग करते हो, कॉमर्स से बिलोंग करते हो, आर्ट्स से बिलोंग करते हो, ठीक है, वो सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, बायो केमिस्ट्री हो, अगर मैं अकाउंट कॉमर्स की बात करूँ, अकाउंट्स हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो आपके, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, इंग्लिश हो बेसिकली, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आपको मिलने पढ़ने को मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है हमारे प्लान में कि आपने एक बार लिया और बस खत्म, नहीं, आप कोई से भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। एक प्लान लो, मतलब एक होता है ना कि करो ज्यादा का इरादा, तो एक प्लान लेने के बाद ज्यादा का इरादा करते रहोगे आप, ठीक है। सर क्या करना है जल्दी बताओ। तो नो डाउट आप लोगों ने जो है अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर ली हो, नहीं की तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे, ठीक है, वहां पे आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, ठीक है, वहां पे आप डाउनलोड करेंगे तो बेसिकली छोटे मोटे आप टेलीग्राम पे हमें जुड़ सकते हैं, हमारे क्विज के लिए, हमारे टेस्ट के लिए, वहां पे पीडीएफ देते रहते हैं। अब जैसे आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड की, डाउनलोड करने के बाद वहां पे आता है गेट सब्सक्रिप्शन, आप वहां जाइए, वहां पे आप सब्सक्रिप्शन लीजिए 24 महीने का, 12 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का और 1 महीने का। अगर मैं बात करूं सर 24 महीने, 2 साल, सर 2 साल का क्या यूज, मेरे पास तो 3-4 महीने पड़े हैं। देखिए आपके कोई भाई बंधु होंगे, ठीक है, या आपके कोई जानने वाले होंगे, आप सब्सक्रिप्शन प्लान 2 साल का लेंगे, 1 साल का लेंगे, तो बेसिकली फायदा ये होगा कि आप 1 साल में कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि आपने 12th लिया, 12th या 11th में भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, आपको कोई छोटा भाई है, या 12th में आपका कोई छोटा भाई आने वाला है, ठीक है, तो आप उसको भी इस चीज का बेनिफिट दे सकते हैं, ठीक है, तो यही है गाइस। और अगर आपको सर आप भी तो कुछ बताइए, अगर आपको बेसिकली मेरे से सर कोई फायदा वायदा हो तो मैं आपको बताऊं, तो आप डालिए वहां पे RD001, वहां पे आता है गेट कूपन या एनी कूपन कोड, तो आप वहां डालेंगे RD001 तो आपको बेसिकली वहां पे एक कूपन कोड दिखाई देगा, आप उस कूपन कोड को अप्लाई कीजिए, आपका 10% डिस्काउंट मिलेगा। और क्या चाहिए, 10% डिस्काउंट भी दीजिए भाई साहब पहले दिन ही, ठीक है, तो RD001 आपको पता होगा जेम्स बॉन्ड का नंबर होता है, तो RD001 आप डालिए कूपन कोड में, 10% डिस्काउंट लेके जाइए। चलिए तो ये तो होगी सारी बातें, ठीक है, अब बेसिकली हम जिस चीज के लिए आए हैं भाई, प्रिपेयर हो जाओ जल्दी से, आप लोग उन लोगों को बुला लिया होगा और लोगों को भी बुला लो, अब जिस चीज के लिए हम आए हैं, जो हम करने वाले हैं वो स्टार्ट करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स बाय ओनली वन राहुल जी, ठीक है, वन एंड ओनली। तो देखिए मजा आने वाला है गाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। तो टिप्स एंड ट्रिक्स की बात की जाए सर, आप आगे क्या करने वाले हो, ऐसा क्या बताने वाले हो ऐसा जो हमने आज तक नहीं सुना, या कुछ ऐसा जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आपके 12th लाइफ से रिलेटेड बहुत जरूरी है। आपको पता होगा कि मुश्किल से 90 दिन भी नहीं बचे, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, 90 दिन भी नहीं बचे आपका बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, मात्र 90 डेज बाद आपका बोर्ड का एग्जाम है। अब यार 365 में से इतने सारे डेज निकल गए, मात्र 90 दिन बचे, अब 90 दिन में हमें कुछ ना कुछ स्टडी चाहिए, कुछ ना कुछ तो प्लान चाहिए, कुछ ना कुछ तो टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए ना, तो कुछ बता दो सर। तो हम आए हुए हैं आज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लेके, यकीन मानिए ये टिप्स एंड ट्रिक्स और कहीं नहीं मिलेंगी, हमारे प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, लोगों को बुला लो, ठीक है, हम लोग आ चुके हैं, मैं आपको आज बहुत सारी बातें करूंगा, बोला ऐसा नहीं है कि यार आए अपनी बात कहती चल गया, नहीं, मैं आपसे बिल्कुल इंटरेक्ट करूंगा और बहुत 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 सारी बातें करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, आई होप जो है लोग हमें शेयर कर रहे होंगे आप लोग, ठीक है, शेयर कीजिए जल्दी से, ठीक है, और बाकी सब स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं जब भी कभी मेरे से कोई पूछता है कि सर आपकी लाइफ चेंजिंग स्टोरी क्या है, तो मैं हमेशा अपनी लाइफ चेंजिंग स्टोरी यही मानता हूँ, माई फेवरेट स्टोरीज में से एक स्टोरी है, तो मुझे लगता है कि आज की पहली क्लास, पहला सेशन, पहला मोटिवेशन मुझे इससे स्टार्ट करना चाहिए था। मतलब मुझे लगता है कि इसके अलावा मेरे लिए कुछ है ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारी कहानी मुझे लगती है, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों से शेयर करूं, ये कहानी आपको बहुत मोटिवेट करेगी और जिंदगी में बहुत कुछ सिखाएगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हम अपनी सेशन को आगे बढ़ेंगे, जो मेन मेन बातें हैं वो सब बातें करेंगे, लेकिन ये कहानी का शुरू होना, इस कहानी का सुनना बहुत जरूरी है आपके लिए, तो सुनिएगा कहानी क्या है। एक बार एक मूर्ति बनाने वाला था, एक मूर्ति बनाने वाला, तो बेसिकली वो पत्थर से मूर्ति बनाया करता था, तो उसने सोचा कि यार मैं डिमांड आई थी उसकी कि गांव में किसी को मूर्ति बनवानी है मंदिर में, तो उसने सोचा यार मुझे ना एक मूर्ति बनानी है तो मुझे पत्थर चाहिए होंगे, तो वो जो पत्थरकार है, सोकल जो मूर्तिकार है, वो एक जंगल में जाता है, जंगल में जाता है तो बेसिकली उसे एक पत्थर मिलता है, एक बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा पत्थर मिलता है, वो बिना टाइम वेस्ट करे उस पत्थर को उठा के अपने गाड़ी में रख देता है। वो सोचता है कि यार ये जो पत्थर है ना, इससे मूर्ति बड़ी प्यारी बनेगी, क्योंकि बहुत प्यारा पत्थर है, बहुत सुंदर पत्थर, देखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, वो बड़ा खुश होता है। जैसे ही वो आगे जाता है, आगे जाने के बाद उसे एक और पत्थर मिलता है, वो उस एक और पत्थर को ले आता है, और ले जाने के बाद बेसिकली वो दो पत्थर रख लेता है अपने पास, और दो पत्थर ले जाने के बाद वो अपने घर पे ले आता है और स्टार्ट कर देता है उस मूर्ति बनाने के लिए उस पत्थर से।
जैसे ही वो उस पत्थर, उस बड़े से खूबसूरत पत्थर पे जैसे ही वो हथौड़ा मारता है, तभी आवाज आती है कि रुको रुको रुको, रुको प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, प्लीज। पहले वो सोचता है कि यार ये आवाज कहाँ से आ रही है, वो इग्नोर करता है इस चीज को, ठीक है। फिर वो कहता है प्लीज प्लीज मैं ये पत्थर में से बोल रहा हूँ, आप प्लीज मेरी बात सुनिए, ठीक है, मुझे मत मारिए प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मूर्ति बनाने वाले को दया आ जाती है, वो सोचता है कि यार ये पत्थर जो है इतना रो रहा है, ठीक है, तो मैं नहीं मारता इसे। वो उस पत्थर को चेंज कर देता है, ठीक है, और उसके बाद उसकी जगह पे एक दूसरा पत्थर ले आता है, दूसरा पत्थर। और जब वो दूसरा पत्थर लेके आता है तो वो उस पे मारता है, वो दूसरा पत्थर कुछ नहीं बोलता, वो दर्द को सह लेता है, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद गांव से लोग आते हैं, ठीक है, कहते हैं कि जी हमारे, हमने मूर्ति दी थी आपको, क्या आपने मूर्ति बनाई? तो हाँ जी मूर्ति बन चुकी है। तो वो लोग मूर्ति देख के बड़े अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ भाई एक मूर्ति बनी है। तभी वो लोग देखते हैं एक और पत्थर को, सुनो और आपको पता होगा, एक पत्थर ने कहा था कि ठीक है आप मुझे मूर्ति बनने दीजिए, एक पत्थर ने मना कर दिया सर मुझे मत बनने दीजिए, तो मतलब मैं दर्द नहीं सहना चाहता। तो वो गांव वाले कहते हैं कि यार ये मूर्ति तो बड़ी प्यारी है, लेकिन ये पत्थर आपके काम का है क्या, क्या हम इसे ले सकते हैं? तो मूर्तिकार सोचता है कि सर पहले ही मना कर देते मुझे मूर्ति नहीं बननी। तो मूर्तिकार सोचता है कि हाँ जी मेरी एक बेकार है, मैं जंगल में फेंकता है इसे, ठीक है आप एक काम कीजिए आप ले जाइए। तो वो गांव के लोग मूर्ति को भी लेके जाते हैं और उस अनवांटेड जो स्टोन है जो किसी को नहीं चाहिए वो पत्थर भी लेके जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, जो टीम है मतलब सो कॉल वो पूरी जो टीम थी वो ले जाती है और उसको रख देती है, सजा देती है, ठीक है, मूर्ति को। और फिर धीरे धीरे लोग जो हैं उसकी पूजा करने लग जाते हैं, उसकी जो है ठीक है सब कुछ जो है। मेरी आवाज क्लियर है गाइस? ठीक है परफेक्ट, चलिए एवरीथिंग इज क्लियर ना, चलिए ठीक है ठीक है ओके ओके। चलिए 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 ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ तो मैं बेसिकली कहानी को कंटिन्यू करता हूँ। तो जो मूर्ति उन्होंने रखी थी वहां पे सोगल मंदिर में, तो उसकी पूजा होने स्टार्ट हो जाती है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे उसकी बड़ी पूजा होती है, उसको लोग बड़ा पूजते हैं, ठीक है। और उसकी जो है पूजा होने के बाद मतलब लोग बड़े उसके मतलब मूर्ति को देखने के लोग आते हैं, उसके पैर छूते हैं लोग उसी मूर्ति को, उसी पत्थर को। जब उस मंदिर में कोई नहीं होता तो वो पत्थर जो नीचे पड़ा होता है वो बोलता है यार भाई तू तो बड़ा खुशकिस्मत निकला यार, लोग तेरी पूजा कर रहे हैं, तेरे को फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं, तेरे को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, लोग तेरी पैर छू रहे हैं यार, तू तो बहुत लकी है, किस्मत तो तेरी जैसी ही हो। वो ये बोल ही रहा होता है तभी दो लोग आते हैं और उस पत्थर पे नारियल फल लग जाते हैं, उसको बड़ा तकलीफ होती है, कहता है अरे हाय किसने मारा ये। वो दो लोग उस पर चीख रहे होते हैं कि प्लीज, मतलब वो दो लोग उसको मार रहे होते हैं पत्थर को, नारियल फोड़ रहे होते हैं, ऐसे आते हैं बहुत सारे लोग आते हैं उस पर पत्थर से मतलब नारियल फोड़ने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो पत्थर दोबारा बोलते हैं कि यार तेरी किस्मत कितनी अच्छी है और मेरी मेरी किस्मत कितनी बेकार है, लोग तुझे पूजते हैं, तुझे भगवान की तरह मानते हैं और मुझे मुझे लोग पत्थर मारते हैं। तो गाइस पता है उसने क्या बोला, उस मूर्ति वाले पत्थर ने जो बोला वो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जिंदगी में एक मौका लाइफ जरूर देती है आपको, जब उस टाइम पे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप इस चैलेंज को सामना करते हो या नहीं करते। और अगर आप सोचते हो कि नहीं यार मैं इस चैलेंज का सामना नहीं कर सकता, मेरे लिए चैलेंज नहीं है, मेरे लिए चुनौती, मैं नहीं कर पाऊंगा इस चीज को, तो यकीन मानिए जिंदगी भर आप चोट खाते रहेंगे। या तो आप जिंदगी में एक बार उस चैलेंज का सामना कर लीजिए, उस जिंदगी की चोट का सामना कर लीजिए, जिंदगी भर आप पूछते जाओगे, या दूसरी तरफ उस पत्थर की तरह बन जाओगे जिसने एक बार चोट खाने से मना कर दिया वो जिंदगी भर चोट खा रहा है। तो गाइस देखो जिंदगी में ना मजे करो, जिंदगी में खूब मजे करो, खूब एंजॉयमेंट करो, बिल्कुल घूमो फिरो जो करना है करो, लेकिन इस प्लान के साथ करना कि आपने जिंदगी को मतलब आपके आगे वाली जिंदगी कैसे होने वाली है, क्या आपने अपने चैलेंजेस के लिए आप तैयार हो, क्या जिंदगी आपको अच्छा कुछ देगी उसके लिए कहीं ना कहीं अभी इसी वक्त आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जिंदगी में जब भी मेरे पास चैलेंजेस आएंगे मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। याद रखिएगा ऑलवेज बी रेडी टू फेस चैलेंज इन योर लाइफ। जिंदगी में अगर आप चुनौतियों का सामना नहीं करते हैं, अगर आप जिंदगी में अभी स्ट्रगल नहीं करते हैं, तो एकदम जैसा जरूर आएगा जब जिंदगी आपको बहुत पत्थर मारेगी, और एक टाइम ऐसा जरूर आएगा आपकी लाइफ में
अगर आपने अभी स्ट्रगल कर लिया, अभी उस चैलेंज का सामना कर लिया, आपको पता है मैं किस चैलेंज की बात कर रहा हूँ, जी हाँ मैं आपके 12th के चैलेंज की बात कर रहा हूँ, आपने अभी इस चैलेंज का सामना कर लिया कि हाँ जी मैं रेडी हूँ, मतलब लाइफ को देख के आपने कह दिया हाँ जी ट्राई मी, डोंट से व्हाई मी, ऑलवेज से ट्राई मी, जिंदगी को देख के आपने कह दिया कि हाँ जी मुझे आजमाओ ना, याद रखिए जिंदगी आपको बहुत प्यारी है, मुझको आपको पूछे जाओगे आप। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्टार्ट करता हूं आपकी मेन बात, बस इतनी सी है, क्या जिंदगी में कभी भी चुनौतियों का सामना नहीं करना चाहिए, है ऐसा नहीं, कभी भी चुनौती से डरना नहीं चाहिए, सामना, अगर आप ये सोचते हो जिंदगी में कभी चुनौती का सामना नहीं करना चाहिए, यकीन मानिए जिंदगी जिंदगी आपके लिए चुनौती बन जाएगी, लेकिन आपने जिंदगी में सामना करना स्टार्ट कर दिया चुनौतियों का, तो जिंदगी आपके लिए बहुत प्यारी बन जाएगी। और अभी इस टाइम पर आपकी लाइफ में कौन सा चैलेंज है, जी हाँ आपकी लाइफ में इस टाइम पर 12th का चैलेंज, मेरी पहली क्लास, उससे लोग कह रहे थे सर पहली क्लास आप क्या लेंगे क्या पढ़ेंगे, मैंने सोचा कि यार कहीं ना कहीं बच्चों को ये मोटिवेट करना बहुत जरूरी है कि आप यहाँ पे क्यों हैं। यकीन मानिए अगर आप मेरी लाइव क्लास देख रहे हैं तो आपके मन में कुछ ना कुछ अलग करने की चाहत है, आप औरों से अलग है, अब यहाँ पे मुझे 70-80 लोग देख रहे हैं, तो आप औरों से अलग है, आपके अंदर वो जुनून है, आप कुछ अलग करना चाहते हैं और आप इसीलिए आए हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है ना वो ये है कि चुनौतियों का सामना करना है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि चुनौती बहुत बड़े लेवल पर कभी आएगी, नहीं, हर पल हर वक्त आती है। अभी आप लोगों ने 9 बजे खाना खाने के अलावा आपने इस चैलेंज को सुना कि यार मुझे 1 घंटे क्लास देनी, ये भी एक चैलेंज था आपके लाइफ और आपने इसको कामयाब किया, तो जिंदगी में चैलेंजेस हर पल आते हैं, हर एक सेकंड आते हैं, यकीन मानिए आप उस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी तरह देखोगे तो आप जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। अब मैं आपको बताऊं तो अब मेन बात पे बात करते हैं कि हाउ टू फोकस ऑन स्टडी सर। ठीक है सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे जो है चुनौतियों का सामना करना चाहिए, मुझे जो है लाइफ में बहुत कुछ करना चाहिए, ठीक है सर मैंने बिल्कुल आपकी बात समझ ली है, लेकिन सर मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत आती है कि मैं कैसे कैसे अपनी पढ़ाई पे फोकस करूं, सर मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में, ठीक है मैं जो है बहुत 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 कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होता रहता हूं जिंदगी में, ठीक है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और पढ़ने बैठता हूं पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिंदगी में मन नहीं लगता, तो सर कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरा पढ़ाई में मन लगता है। तो गाइस मैं आपको आज कहीं ना कहीं यही बताने वाला हूं कि आप कैसे अपनी स्टडी में फोकस कर सकते हो। तो थोड़ा सा मेरे बारे में अपने बताऊं मैं, तो आई वॉज द आइसक्रीम वेंडर, जी हाँ बिल्कुल सही सुना, मैं आइसक्रीम बेचता था जी रोडों पे सड़कों पे गलियों में आइसक्रीम, और ये ज्यादा बड़ी बात नहीं, आप सोचोगे कि ये बहुत पुरानी बात होगी, नहीं मैं मात्र 22 या 21 साल का बच्चा, और मैं अपने 18-19 साल की एज में जब मैं 11th-12th में था तो मैं आइसक्रीम बेचता था, मेरी लाइफ में वो चीज आई थी कि मुझे जो है या तो अभी रुक जाना है कि नहीं पापा नहीं मम्मी मुझे जो है इन चैलेंजेस का सामना नहीं करना, ठीक है, या तो मेरे पास ऑप्शन ये था या मेरे पास ऑप्शन ये था दूसरे पत्थर की तरह कि ठीक है सर मारो ना मारो जितना मारना है उतना मारो, एक दिन ऐसा आएगा कि चोट मैंने आज खाई है ना ये एक दिन मूर्ति की तरह बन के निकलेगी। याद रखिएगा किसी बड़े पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए उसे मारना पड़ता है। तो जब भी लाइफ में आप पिट रहे हो ना, लाइफ इन द सेंस पिटना इन द सेंस की लाइफ से पिटना जिंदगी से पिटना, तो जब भी आपकी लाइफ में जिंदगी में आपको लग रहा होगा कि हमें बहुत प्रॉब्लम चल रही है, समझ लो कि वो पत्थर मार रहा है आपको और आपको कहीं ना कहीं वो मूर्ति बनाने के लिए कर रहा है आपको। अगर आप लाइफ में प्रॉब्लम में हो तो आप मूर्ति बनने वाले हो, आप वो भगवान बनने वाले हो जिसको लोग पूजेंगे। अब सर मैं जो था अपनी लाइफ में तो स्टडी फोकस किया जाए, पढ़ाई की स्टडी की बात की जाए कि मैं कैसे फोकस करता था उसके लिए, तो यार मुझे लगता था ना कि मुझे कभी इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी कि मुझे मोटिवेट होना है, क्योंकि मेरी लाइफ में ऑलरेडी मैं सेल्फ मोटिवेट बहुत था कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है फैमिली के पास इतने पैसे नहीं है, तो कहीं ना कहीं यार मुझे जो है अपनी स्टडी फोकस पर करनी पड़ी। उसके लिए सबसे पहली चीज जो मैंने की ना वो यही चीज थी, वो क्या चीज थी कि मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है जिंदगी में। गाइस अगर आपको कुछ करना है ना, कुछ भी करना है जिंदगी में आपको, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट, बस इतनी सी बात। अगर आज के सेशन में आप कुछ मुझसे जानना चाहते हो, मुझसे कुछ सीखना चाहते हो ना, तो बस इतनी सी बात है। आप बिस्तर पर बैठे हुए हो, आप लोग दुनिया में हर कोई बात करते हैं फ्रेंड जोन की, ये जोन की, वो जोन की, लेकिन उससे खतरनाक एक जोन है, जी हाँ कंफर्ट जोन, जिसकी कोई बात नहीं करता। सुना है कभी कोई जोक बनते हुए, कोई मेम लिखते हुए कंफर्ट जोन के बारे में? नहीं, क्योंकि 90% लोग आज के टाइम पे कंफर्ट जोन की जिंदगी जीते हैं। याद रखिएगा, जिंदगी में जैसे ही आप कंफर्ट जोन से आगे निकलेंगे वैसे ही आप अपनी जिंदगी में आगे निकलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट माय लाइफ।
मैंने सोचा था कि नहीं यार, ये मेरे हाथ में फोन है, मेरे पास उस टाइम पे फोन नहीं था, मेरे पास आज के टाइम पे दो दो फोन है। मैं उस टाइम पे सोचता था कि यार या तो मैं अपने कंफर्ट जोन की जिंदगी जी लूं, कंफर्ट जोन की जिंदगी, इन द सेंस कि यार मैं भी जो है उतना आराम करूं, मैं भी जो है घूमू, मैं आप लोग क्या करते हैं, मैं अपनी बात नहीं करता, मैं आपकी बात करता हूँ। चलो ठीक है, आपकी लाइफ में क्या है, आपकी लाइफ में इस टाइम पे जो लोग ये बात करते होंगे, जो कंफर्ट जोन में रहते होंगे, लेट से उठना सुबह, और कहीं ना कहीं यार पढ़ने का मन नहीं लगता यार, रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह लेट उठते हैं, ठीक है, नहीं यार मुझे जो है आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं लेनी, मुझे बायो की क्लास नहीं लेनी, या मुझे इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं लेनी, या मेरा पढ़ने का मन नहीं, टेस्ट नहीं देना मुझे, कोई बहाना मार देते हैं हम लोग, क्या मुझे ये नहीं करना। व्हाई? बिकॉज वी ऑल आर इन कंफर्ट जोन। जिंदगी में अगर आपको सच में कुछ करना है तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये ढूंढना पड़ेगा कि भैया क्या है ये कंफर्ट जोन, आपकी जिंदगी में क्या है कंफर्ट जोन। यकीन मानिए, आप बस एक दिन इस चीज पर विचार कीजिए। मैं अपने को आपको सर ये तो कुछ कहीं ना कहीं फिलोसफी की बातें कर रहा हूं, अगर आपको फोकस करना है स्टडी पे तो सिर्फ और सिर्फ आपको यही देखना पड़ेगा कि आपकी कंफर्ट जोन क्या है। दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस, आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस से हटाना पड़ेगा। अगर आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को फाइंड आउट नहीं कर पाते, अगर आप ये नहीं देख पाते कि आपकी जिंदगी में क्या क्या चीजें ऐसी जो टाइम वेस्ट करती हैं, तो यकीन मानिए आप कुछ नहीं कर सकते। यकीन मानिए, लोग बात करते हैं सर मेरा स्केड्यूल बना दो, टाइम टेबल बना दो, सर मैं टाइम टेबल के हिसाब से पक्का पढ़ूंगा। आपको पूरे साल हो चुके हैं पढ़ते हुए, पूरे साल, ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑलमोस्ट तो 265 दिन तो हो चुके हैं 365 में से, तो ऑलमोस्ट पूरे साल आप पढ़ रहे हो, पूरे साल में आपने ना कितने टाइम टेबल बनाए होंगे, अपने आपसे पूछिए ना, अपने आपसे कितने वादे किए होंगे यार कि मुझे रात के 11 बजे उठ के पढ़ना है, नहीं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना है, आज पक्का मैं पूरे दिन पढ़ूंगा, कल मेरा ये है, परसों मेरा वो है, मैं पक्का पढ़ूंगा, ना जाने 200 दिनों में आपने अपने आप से कितनी बात कही होगी, बात पूरा क्यों नहीं हो पाया, पूरा क्यों नहीं हो पाया, बिकॉज ऑफ टू रीजंस। फर्स्ट वन इज दैट इज कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन के साथ निकलता है डिस्ट्रैक्शन। हम लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, किसको पसंद नहीं है ऐसे आराम से चेयर पे बैठना, आराम से ऐसे टीवी देखना, ठीक है, फोन चलाना, सोशल मीडिया पे बात करना, बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है गोल स्टेटमेंट के बारे में बात करते हुए, कभी गोल स्टेटमेंट में फोकस करो ना, आपका गोल क्या है। तो हम लोग अगर आपको सच में फोकस करना है स्टडी पे तो बस और बस यही बात है गाइस, क्या कि आप जो है अपने डिस्ट्रैक्शंस को फाइंड आउट कीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं तो ये आपका गोल है, मैं ये बात हमेशा अपने सेशन में कहता हूं कि अगर आपके आपका हाथ आपके सामने रखिए प्लीज, ठीक है, अगर आप रख रहे हैं तो प्लीज रखिएगा इसको, और आप अपने हाथ पे फोकस कीजिए, ठीक है, फिर आप मुझे तो देखिए, सो अगर आपके पास कैमरा ऐसे फोन है तो आप मेरे कैमरे को देखिए, फिर अपने हाथ को देखिए, फिर आप अपने कैमरे को देखिए, फिर आप अपने हाथ को देखिए, क्या देख रहे हो आप। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप अपने हाथ को देखते हो तो पीछे की चीज ब्लर हो जाती है, और जब आप पीछे की चीज को देखते हो तो आपके इतने पास जो चीज है वो ब्लर हो जाती है, बस इतनी सी बात है। दिस इज योर गोल, दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर ट्वेल्थ। व्हेन यू फोकस ऑन योर गोल, जब भी आप गोल पे फोकस करोगे, यकीन मानिए जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है, जितनी भी कंफर्ट जोन है, आपको दिखेंगे। लेकिन जब आप फोकस करते हो कंफर्ट जोन में, अरे यार जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, व्हाट्सएप पे देखने को मैसेज आया नहीं आया, जब भी आप अपने कंफर्ट जोन को देखोगे गाइस, इतने पास जो चीज है ना वो भी आपको ब्लर नजर आएगी। इतनी प्यारा एग्जांपल है, इतनी प्यारी बात बोली है ना यार, बस इतनी सी बात, क्या कि फाइंड आउट कीजिए वो हाथ के पीछे की चीजें, वो गोल के पीछे की चीजें जो आपको देखने नहीं दे रही आपको इतने पास गोल को, आप फाइंड आउट कीजिए आज रात को। अगर आपको कुछ सीखना है मुझसे तो सच में, मैं अभी देखो लाइव डेली आने वाले, डेली हम लाइव आने वाले, डेली हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि लाइव आने से पहले एटलीस्ट आप अपनी लाइफ से ये दो तीन चीजें निकाल दो। पहली चीज यही है कि जो भी आपका कंफर्ट जोन है, आप जो है फोकस किस पे करते हो, आप फोकस करते हो इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, और बाद में इस पे सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करना है आपको, और किसी पे फोकस नहीं करना। तो आप आज बस यही करिए, क्या कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन को फाइंड आउट कीजिए, आप अपने कंफर्ट जोन को फाइंड आउट कीजिए, और हाँ इसको देखिए इसको नहीं। अब एक और चीज मैं बोलता रहता हूं, मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैंने देखो ऑलमोस्ट हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है मैंने, 500 हजारों गिनती नहीं है, ठीक है, आप लोगों की कृपा से जो है 70,000 से 80,000 होने वाले मेरे चैनल पे, तो मैंने बहुत लोगों को पढ़ाया, मैं डेली न जाने कितने बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो ऑलमोस्ट बच्चों के ना मन में एक सवाल होता है, वो ये कि सर आपने जो मुझे मोटिवेट किया, आपने कहा जिंदगी में चुनौतियों का सामना करना चाहिए, जी सर मैं तैयार हूँ चुनौतियों का सामना करने के, आपने मुझसे कहा सर मैंने अपने कंफर्ट जोन को भी हटा लिया, सर मैंने अपने डिस्ट्रैक्शंस को भी हटा लिए,
सर दो चीज मैंने अपने बिस्तर तक को हटा लिया। बिस्तर तक को क्यों? मेरी जो मेरे को छोटी सी याद आ गई कि जब मैं, क्योंकि मेरा जब मैं आइसक्रीम वेंडर था तो ऑब्वियस सी बात है हमारा घर इतना अच्छा नहीं था, तो हम लोग जो थे, मेरा एक बड़ा भाई भी था, ठीक है, था क्या है मेरा बड़ा भाई अनुराग सर, ठीक है, नो डाउट वो भी लाइव क्लास देख रहे होंगे। तो मैं जब सो कॉल्ड 12th में था ना, तो मैं मेरा भाई पंखा बंद करके पढ़ते थे, गर्मी में पढ़ते थे। रीजन पता है क्या है? कि ये मेरा कंफर्ट जोन है। रात को जब मैं पढ़ रहा हूँ ना तो मुझे ये हवा दे रहा है, हवा दे रहा है तो मुझे नींद आ रही है। उस टाइम पे कूलर और एसी तो हुआ नहीं करता था, पंखा होता, मैं पंखा बंद करके पढ़ता था, मैं अपने बिस्तर पे नहीं पढ़ता था। आप लोग बिस्तर पढ़ते हो तो आप लोग पढ़ते हो ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये दिस इज ऑल अबाउट योर कंफर्ट जोन। आप सोचते हो नहीं मेरी लाइफ में व्हाट्सएप नहीं है, व्हाट्सएप की कंफर्ट जोन नहीं है। जो भी चीज आपको आलस देती है, जो भी चीज आपको बेसिकली कहते हैं कि बस रिलैक्स फील हुआ है, दिस इज ऑल अबाउट योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट मतलब क्या होता है? आराम। जिंदगी में जो भी आपको आराम दे रहा है, तो भैया वो कहते हैं ना आराम आराम है, तो वो आपको आराम कर रहा है। तो मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर सब कुछ अच्छा है, पर सर मैंने आज तक कभी 90 आया नहीं, सर मैं आज तक कभी टॉपर रहा नहीं, तो सर आज रह जाऊंगा क्या? तो मैं हमेशा उनसे एक बात बोलता हूँ, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ गाइस। आपको अगर देखो एक छोटी सी बात है, अगर आप अपने आप पे विश्वास नहीं करते जिंदगी में, तो कोई और आप पे कैसे विश्वास कर सकता है? मैं हमेशा अपने आप से या लोगों से बात करता हूं कि आपके पास एक अच्छा जूता हो, सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है, एक अच्छा जूता हो और खराब रोड हो, मतलब जैसे एक बहुत प्यारा जूता खरीद रखा है आपने और एक बहुत ही बेकार रोड है, फिर आप रास्ते को अच्छे से पार कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन एक साफ रोड हो लेकिन जूते के अंदर एक छोटा सा कंकड़ होना, आप एक कदम नहीं चल सकते, तो क्या है? ये वही है, आपने अपने जूते के अंदर अपनी लाइफ के अंदर छोटा सा कंकड़ पकड़ रखा है, वो ये है कि सर शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको अपने पर विश्वास नहीं, आपको अपने पर बिलीव नहीं है। तो बस और बस, अगर आपको सच में जिंदगी में कुछ करना है, सबसे पहले विश्वास रखो यार, कह रहे हो जाएगा हो जाएगा। देखो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं तो अपने आप से ये कहूं अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपने माइंड से कि यार मैं टॉपर था ही नहीं, कभी मेरे कभी अच्छे मार्क्स ही नहीं आए, तो यकीन मानिए आपके मार्क्स कभी नहीं आएंगे, ठीक है। बहुत प्यारे एक लेखक थे, ठीक है, उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली थी कि अगर आप मानते हो कि आप ये बन जाओगे तो यकीन मानिए आप ये बन जाओगे, अगर आप मानते हो कि आप ये नहीं कर सकते तो यकीन मानिए आप ये नहीं कर सकते। तो अगर आपको टॉपर बनना है ना, तो टॉपर बनने के लिए जानना नहीं है, क्या क्या पढ़ना है ना, टॉपर बनने के लिए आपको मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा आप टॉपर हो। डेली सुबह उठ के अपने आपसे बात करो, क्या अरे टॉपर बनेंगे एक दिन, लेकिन क्रैक करेंगे अपना साइंस टीम, अपना कॉमर्स टीम, लेट्स क्रैक, हमारा नाम भी है यार अकेडमी का, लेट्स क्रैक, क्रैक करेंगे यार, करते हैं अपने आप से। जैसे ही आपने ये बात बोली डेली अपने आप से, यकीन मानिए आपकी बॉडी काम करने लग जाएगी। आप बोल के देखो ना अभी, आप बोल के देखो अभी कि यार शायद मैं ना 12th में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाऊंगा, जैसे ही आपने ये वाली बात बोली वैसे ही आपकी एनवायरमेंट, आपकी बॉडी कुछ नहीं कर सकती, आप रुक जाओगे, आपको आलस आ जाएगा। लेकिन जैसे आपने बात बोली यार भाई साहब टॉपर नहीं बनूंगा, सीबीएसई का टॉपर बनूंगा मैं, जब सोचने तो बड़ा बड़ा सोचेंगे, सीबीएसई का टॉपर बनूंगा मैं, दिल्ली का ऑल इंडिया रैंक लेके आऊंगा मैं, जैसे आपने वाली बात बोली आपकी बॉडी काम पे लग जाएगी। हाउ? तो गाइज बिलीव इन योरसेल्फ। अब बिलीव इन योरसेल्फ के ऊपर सर मेरी एक बड़ी प्यारी कहानी है, ठीक है, मैं चाहूंगा छोटी सी कहानी वो सुनाऊं, ठीक है, तो सुनिएगा, बड़ी प्यारी कहानी है वो बिलीव इन योरसेल्फ के ऊपर, ठीक है। एक बार एक इंसान, सुनिएगा इससे रिलेट कीजिएगा अपनी लाइफ से, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड रियलिस्टिक स्टोरी, मैं बिल्कुल रियल स्टोरी का सुनाने में बिलीव करता हूँ, तो ये बहुत ही रियल स्टोरी है, ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से, मेरी लाइफ स्टोरी, लाइफ इन द सेंस की मेरी लाइफ में स्टोरी ने बहुत रोल प्ले किया है। एक दिन एक इंसान बहुत बहुत उदास होता है, वो रो रहा होता है, वो भगवान से कह रहा था कि हे भगवान तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया, मैं इतना अमीर था तूने मेरा दिवालिया कर दिया, मेरी बैंक जो है बैंक बैलेंस बिल्कुल करप्ट हो चुका है, मेरी बिजनेस बिल्कुल बेकार हो चुका है, मैं रोड पे आ चुका हूँ, मेरे बच्चे जो है मरने वाले हैं, भूख के मारे तड़पने वाले हैं, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। वो एक पार्क में जाके रो रहा होता है, बहुत तेज से चिल्ला रहा होता है, भगवान को कोस रहा होता है, अपनी किस्मत को कोस रहा होता है कि हे भगवान तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया। तभी पीछे से एक बुजुर्ग आता है, एक बुजुर्ग आता है, उसके कंधे पे ऐसे हाथ रखता है, कहता है बेटा मैं बहुत देर से देख रहा हूं तुम रो रहे हो, क्या बात है तुम रो क्यों रहे हो? तो वो बड़ा इरिटेट हो जाता है, इंसान कहता है तुम छोड़ो ना यार, तुम्हें क्या बताऊं मैं क्यों रो रहा हूं, मैं क्यों परेशान हूं, ठीक है, कहता है अरे तो बुड्ढा सामने आता है, कहता है कह रहे परेशान क्यों, मुझे बताओ बताओ क्या दिक्कत है, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। अरे मेरी हेल्प कुछ नहीं कर सकती, मेरी हेल्प सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर सकती है, वो है मौत, मुझे मरना है, हाँ मैं इस
लाइफ की परेशानियों से सामना नहीं कर सकता। भाई मेरे को मेरे पर विश्वास नहीं है, इतना अमीर था मैं, इतना पैसा था मेरे पास, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं मरना चाहता हूँ। वो बुजुर्ग कहता है ठीक है मर जाओ, लेकिन एक बार मुझे बताओ तो सही कि क्या बात है, क्यों परेशान हो तुम? तो कहते हैं बताओ क्या बात है, ये बात है कि मैं बैंकक्रप्ट हो चुका हूं, मेरे पास पैसे नहीं पड़े हैं, मेरा जो सब कुछ डूब चुका है। कहता है अच्छा कितने रुपए चाहिए आपको? तो कहते हैं मुझे मुझे $1,000 को लिखा है, अरब डॉलर चाहिए मुझे, $1,000 कर सकते हो मेरी मदद? नहीं कर सकते ना, तो बस चुप हो जाओ चले जाना सर। वो इंसान कहता है, बुजुर्ग कहता है रुको। वो अपनी जेब से एक चेक निकालता है और एक ब्लैंक चेक पे साइन कर देता है और कहता है अमाउंट भर देना जाओ। कहता है ये क्या, तुम कौन हो सर? तो कहते हैं मेरा नाम है जॉन डी रॉकफेलर। जी हाँ गाइस, जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर उस टाइम पे दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। कह रहा बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं जॉन डी रॉकफेलर हूँ, और जाओ अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम्हारे हाथ में, जाओ और हाँ मरने के बारे में सोचना। वो आदमी कुछ पल के लिए सुन खड़ा हो जाता है कि यार अभी कुछ पल पहले, कुछ देर पहले, कुछ सेकंड पहले मैं मरने वाला था, मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अभी कुछ सेकंड बाद जो है सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। मतलब एक अजनबी ने मेरे पर विश्वास कर लिया, एक अजनबी मेरे पर विश्वास करता है। वो अजनबी मुझसे कह के गया है कि आप ये $1,000 एक साल बाद मुझे दे देना। सच में एक सेकंड, क्या एक अजनबी मेरे पर विश्वास कर लिया, तो क्या मैं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सकता? वो सोचता है कि ठीक है, वो उस चेक को ले जाता है अपने घर पर रख देता है कि मैं इस चेक को देखो, ऑब्वियसली बात है चेक तो अब चेक ही है, मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्यूशन तो मिल चुका है, मैं मेहनत करता हूं, मैं हार्डवर्क करता हूं, 6-7 महीने के अंदर अंदर अगर मैं अपने आप को कामयाब कर पाया तो ठीक है, नहीं कर पाया तो मैं 6 महीने बाद इस चेक को दोबारा यूज कर लूंगा। उस चेक को जाके रख देता है उसको संभाल के कि 6 महीने बाद नहीं मुझे यूज करना पड़े, पर मुझे लगता है कि मैं कर लूंगा। वो बहुत मेहनत करता है और एक साल के अंदर अंदर वो उसी टाइम पे उसी लेवल का एक अमीर आदमी बन जाता है। वो दोबारा उसी पार्क में जाता है जहां पर उसने वादा किया था कि ठीक है मैं एक साल बाद आऊंगा। वो इंतजार करता है उस चेक को लेके, सेम चेक को लेके, उसने उस चेक को यूज नहीं किया था और दुनिया का सबसे अमीर आदमी वही बन चुका था, ऑलमोस्ट बहुत अमीर आदमी बन चुका था। तो वो इंतजार करता है कि वो कब आएंगे जॉन डी रॉकफेलर सर। तो तभी जो मतलब वो बुजुर्ग आदमी जो है पार्क में सबसे आ रहा होता है, वो भागते हुए जाता है इंसान के पास, वो बुड्ढे के पास। वो कहता है सर 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 सर, याद है एक साल पहले आप मुझे मिले थे, आपने मुझे $1,000 दिए थे सर, आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, आज मैं बहुत अमीर हूं, आज जो है मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है, और सर यकीन मानिए मैंने आपका चेक भी यूज नहीं किया, देखिए ये चेक आपके सामने ये रहा, ठीक है सर आपने मेरे पर विश्वास किया और मैंने अपने आप पर विश्वास किया, सर मैं आज हो पाया। तभी दो महिलाएं वहां से भागती हुई आती हैं और उस बुड्ढे को पकड़ लेती हैं। अरे अरे आप क्यों पकड़ रहे हो उनको? अरे अरे इन बुड्ढों की बातें बता ना, क्या इन्होंने तुम्हें कोई चेक वेक दिया है क्या? नहीं चेक तो नहीं दिया, क्यों? अरे ये अपने आप को जॉन डी रॉकफेलर कहते हैं, दरअसल ये पागल खाने है ना पीछे, हाँ तो ये वो पागल खाने के बुजुर्ग है भाई साहब, इन पे विश्वास मत करना, ठीक है ये सब हर किसी को चेक बांटते रहते हैं, तुम्हें तो चेक नहीं दिया? नहीं मुझे कोई चेक नहीं दिया। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी गाइस। वो इंसान जो सच में मर जाता लेकिन उसने अपने ऊपर विश्वास किया, और यकीन मानिए जिस दिन आप अपने ऊपर विश्वास करोगे ऊपर वाला आप पे विश्वास करेगा। आप एक बार सुपर कहकर तो देखो, अरे यार आप जिंदगी में आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? अपने आप से करते हो ना, तो अपने आप को एक बार मिरर के सामने रखो और कह के देखो कि मैं एक दिन टॉपर बनूंगा, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। बिलीव इन योरसेल्फ गाइस। जिस दिन आपने बिलीव कर लिया कि लेट्स क्रैक यूपीएससी, लेट्स क्रैक सीबीएसई, लेट्स क्रैक कुछ भी, चलो भैया ऑल इंडिया रैंक एक आते हैं, विश्वास कीजिए। जिस दिन आपने अपना विश्वास कर लिया उस दिन वो आप विश्वास कर लेगा, उस दिन जिंदगी आपके सामने जाएगी। लाइक कहते हैं ना, बड़ा फेमस डायलॉग है शाहरुख खान का कि किसी चीज को अगर सिद्ध से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिला देती है। बेसिकली ये शाहरुख खान ने डायलॉग कैसे उठाया था, ठीक है उनका नाम मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है बेसिकली वो बहुत अच्छे राइटर थे, वहां से उठाया था वो डायलॉग, ठीक है। तो वो रियल बात है यार कि एक बार आपने विश्वास कर लिया तो पूरी दुनिया आपके पीछे लग जाएगी और जिसको मिला देती है, बिलीव इन योर सेल्फ। तो ये दो कहानी से मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको यही करना है। अब बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की, ठीक है जी। हाउ टू फोकस ऑन स्टडी, ये तो मैं बता दिया, ये 3-4 चीज आपने मान ली मेरी, ठीक है। तो आप जो है इजिली फोकस कर सकते हो। पहली चीज क्या है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलिए, ठीक है। चैलेंजेस का सामना कीजिए। अगर आपको रात के 2 बजे पढ़ना पड़े 2 बजे पढ़िए, सुबह के 5 बजे पढ़ना पड़े सुबह के 5 बजे पढ़िए, यहाँ क्लास लेनी पड़े वहां
पढ़ना पड़े, खुद पढ़िए, रोड पे पढ़ना पड़े, बिल्डिंग में पढ़ना पड़े, नीचे पढ़ना पड़े, कहीं भी पढ़ना पड़े, पढ़िए। चैलेंज का सामना कीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलिए, अपने गोल पे फोकस कीजिए। और लास्ट और मोस्ट, जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, वो ये, बिलीव इन योरसेल्फ। गाइस, बिलीव इन योरसेल्फ कि हाँ यार, आपको पता है इस साल 2021 का सीबीएसई टॉपर कौन है? पता है आपको? मैं बताता हूं, आप हैं। सच में आप अभी स्क्रीन के पीछे मुझे देख रहे हैं और मुझे पता है कि आप सीबीएसई के टॉपर हैं। अब हां होना चाहिए इसका आंसर। पता है क्यों? क्योंकि जो सीबीएसई का टॉपर होने वाला है वो भी तो 99 दिन बचे उसके पास, 90 दिन बचे उसके पास भी। जो सीबीएसई का टॉपर होने वाला है वो भी तो कोविड-19 की सिचुएशन में झेल रहा होगा। जो सीबीएसई का टॉपर होने वाला है वो भी तो ऑनलाइन ही पढ़ रहा होगा। जो सीबीएसई का टॉपर होने वाला है वो भी तो एक इंडियन ही होगा। Why not you? Believe in yourself, guys. Believe in yourself. जिस दिन आपने अपने पर विश्वास कर लिया, मैं नहीं कहता यार अच्छे मार्क्स के लिए बिलीव करो, नहीं, टॉपर बनने के लिए बिलीव करो। आप टॉपर पैदा हुए थे, आप टॉपर हैं। याद रखिए एक छोटी सी प्यारी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। आप आज आप अनअकैडमी पे आए हैं, इसी वजह से बोलना चाहूंगा कि आपकी 12th लाइफ में दो ही ऐसे मोमेंट होने चाहिए जो बहुत ही प्यारे होने चाहिए। पहला वो जब आप अनअकैडमी पे आए, और दूसरा वो जब आप दुनिया को ये बता दो कि आप अनअकैडमी पे क्यों आए थे। वक्त आ गया, आप लोग अनअकैडमी पे तो आ चुके हो, लेकिन वक्त आ चुका है 90 डेज में दुनिया को बताना है कि आप अनअकैडमी पे क्यों आए थे, आप बेसिकली 12th में क्यों आए थे। याद रखिए, जब आप पैदा होते हो तो अपने नाम से जाने जाते हो, जब आप मरते हो तो अपने काम से जाने जाते हो। काम करने का वक्त यही है, यही 90 डेज। वो शाहरुख खान का एक और अलग में यार आ गया कि ये 70 घंटे तुमसे कोई नहीं सुन सकता, 70 मिनट सॉरी, मैं तुमसे कहता हूँ 90 डेज आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन इस 90 डेज बाद हो सकता है जिंदगी आपसे सब कुछ छीन ले, लेकिन इस 90 डेज को अगर आपने ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया, तो यकीन मानिए आप कहीं और ही होंगे। स्टार ऑफ द वर्ल्ड, एनसीईआरटी की एक लाइन है, स्टार ऑफ द वर्ल्ड। आप जो है इस दुनिया के, इस वर्ल्ड के स्टार होंगे, चमकदार सितारे होंगे। याद रखिए जिंदगी में हमेशा कि लोग उगते हुए सूरज को जल देते हैं, उगते हुए सूरज को, डूबते हुए सूरज को देख के हर कोई चल देते हैं, उगता हुआ सूरज बनेंगे। अब बात करते हैं, ठीक है, मोटिवेशन हो गया, आप अपने पर विश्वास रख लिया, मुझे यकीन है आप कर लोगे। अब बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की कि सर ठीक है आधे घंटा है मेरे पास, 40 मिनट है मेरे पास, 20 मिनट 40 मिनट है मेरे पास प्रॉपर। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों के पास अभी, और हमारे पास अभी 40 मिनट है, तो मैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूं कि हमें पढ़ना कैसे है, ठीक है, हमें कैसे इजिली पढ़ना है ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ जाए। ठीक है, मोटिवेट तो मैंने आपको कर दिया है। स्टार्ट करते हैं डे वन, टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, अभी याद रखिएगा मोटिवेशन तो हो ही गया, अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कैसे कैसे आप जो है काम कर सकते हैं। देखो यार, सबसे पहले अब लोग कहते हैं स्केड्यूल, टाइम टेबल, स्केड्यूल, टाइम टेबल, ठीक है, बनाइए, लेकिन कभी ऐसे पर बनाइए कि यार मुझे जो है आज 5 चैप्टर खत्म करना, आज आप मोटिवेट हो गए, आज आप भर गए, आज आपको 5 चैप्टर खत्म करना, नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। 5 वर्ड खत्म करना है, 5 लाइन खत्म करनी है, बस 2 वर्ड, 5 लाइन, इतनी सी बात। सब कुछ मत पढ़िए, आज ही आज स्टार्ट कीजिए पढ़ना। तो सबसे पहला अगर मैं आपको टिप्स दूं तो ये है कि अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो, मान लेते हैं कि आप आज से पढ़ने वाले हो, तो दिमाग में आता है, हम लोग पढ़ पता क्यों नहीं पाते, दिमाग में आता है यार क्या पढ़े, कहां से पढ़े, इंग्लिश पढ़नी है कहां से स्टार्ट करें यार, केमिस्ट्री पढ़नी है कहां से स्टार्ट करें यार, मैथ्स पढ़नी है यार कहां से स्टार्ट करें, कौन से नंबर को सॉल्व करें। अरे कुछ तो उठाओ। और आप उठाते क्या है, हम उठाते फर्स्ट चैप्टर, भाई साहब आज पढ़ने स्टार्ट किया, ओ हो, नई किताब लेके आए, खोला पन्ना और फर्स्ट चैप्टर जो है उठाया। कभी मत कीजिए, जो आपके अनअकैडमी पर क्लासेस चल रही हैं या जो आपके कहीं भी क्लासेस चल रही हैं वहां पे जो कराया जा रहा है आप उसे पढ़िए। पहला टिप्स ये है क्या, कि सबसे पहली बात कि आप एक टाइम टेबल बनाइए, ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, एक ही दिन में पढ़ना है, 5-5, 6-6 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं, 5 मिनट पढ़ो लेकिन प्रैक्टिस पढ़ो। याद रखिएगा अपने टाइम को, जब जिंदगी में कभी भी अगर आप घड़ी देख के पढ़ रहे हैं यकीन मानिए आप पढ़ नहीं रहे हैं, जिंदगी में कभी भी आप अगर प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं यकीन मानिए आप पढ़ रहे हैं। आप 5 मिनट पढ़ो लेकिन 5 मिनट में आपने वो सारी चीज निकाली जो बंदे 5 घंटे में निकाल पा रहे हैं, हो गया भाई साहब आपका काम। प्रोडक्टिव रहिए लाइफ में, हमेशा लाइफ में प्रोडक्टिव रहिए, ठीक है। तो
पहली चीज तो ये प्रोडक्टिव रहिए लाइफ, ठीक है, और अपने टाइम टेबल पे फोकस कीजिए, अपने स्केड्यूल पे फोकस कीजिए। स्केड्यूल बनाओ तो डेली का बनाओ, यकीन मानो आप हफ्ते का स्केड्यूल बना रहे हो टूट जाएगा, ठीक है। आप ये निकालो लाइफ में, जब आपने कंफर्ट जोन निकाल रहे हो, जब आपने डिस्ट्रेक्शंस निकाल रहे हो, तो आप ये भी निकालिए कि आप कहाँ पीक लेवल पे पढ़ते हैं। हो सकता है लोग, मैंने मोटिवेट किया आपको रात को पढ़ने के लिए, हो सकता है आप दिन के हो, आप दिन में पढ़ने वाले हो, ठीक है, तो आप दिन में पढ़िए। हो सकता है कोई इंसान दोपहर में अच्छा पढ़ता है, हो सकता है कोई इंसान रात में पढ़ता हो अच्छा। तो आप अपने हिसाब से अपने पीक लेवल को देखिए, आप किस टाइम में पढ़ सकते हो उस टाइम में पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और यकीन मानिए शुरू से मत पढ़ना कि आज आप मोटिवेट हो तो आज आप फोर्थ चैप्टर लेके बैठे हो, नहीं, जो चल रहा है रिसेंटली आपके ट्यूशन में, आपके अनअकैडमी में, यही भी चल रहा है, ठीक है, आप वहां से पढ़ने स्टार्ट कीजिए। पहली बात तो मेरे को किसी ने कहा था कि राहुल जिंदगी में हमेशा याद रखियो कि इसको याद नहीं होता, इसको याद होता है। हाँ जी, हाथों को मैं आपको पहली बार बोलना चाहता हूँ ये बात कि जिंदगी में कभी भी आपको कोई याद चीज करनी है ना, तो माइंड से याद नहीं होता, हाथों को याद होता है। हाथों को याद मतलब कैसे? मतलब लिख के याद करना, प्रैक्टिकल। आपने कोई चीज पढ़ी वहीं खत्म मत कीजिए, उसको लिख के देखिए, लिख के याद कीजिए। यकीन मानिए, अगर जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ रहा हूं और मुझे याद हो गया एक पोयम थी, बड़ी प्यारी पोयम थी, मुझे याद हो गई। अब अगर कोई लिख रहा है तो उसे लिखने में लगेगा भैया 2 घंटे 3 घंटे, सारी की जिसको 5-5 बार लिख रहा हूँ, 10-10 बार लिख रहा हूँ, टाइम लगेगा बहुत, 90 दिन बचा, आप कह रहे हो। यकीन मानिए, अगर आप लिख के याद करेंगे तो कभी भूल नहीं सकते। मेरी बात कहीं भी बात लीजिए कि जिंदगी में हमेशा दिमाग को याद नहीं होता, हाथों को याद होता है, सिर्फ और सिर्फ हाथों को याद होता है, ठीक है। तो आप जो है लिख के याद कीजिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जो भी आप कुछ भी पढ़ना है ना, कॉपी डालो, सारे पढ़ना, लिखना स्टार्ट करो। मेरे को किसी ने कहा था, इफ यू आर अ गुड रीडर देन यू आर अ गुड राइटर। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो यकीन मानिए आप लिखने में भी अच्छे हो। तो अपने हाथों को तो याद करा दिया, पढ़िए जो आपने लिखा है। हम लोग पता क्या है, हम लोग बड़ा आलस करते हैं खुद की लिखी हुई चीज को पढ़ने में। एक बार लिख लिया, सेल्फ टेस्ट लेने में बड़ा आलस करते हैं हम लोग, कौन पढ़ रहा है यार, लिख लिया, हमें विश्वास है हमने अच्छा लिखा है, लेकिन हम रीचेक नहीं करते। इफ यू आर अ गुड रीडर इट मीन्स यू आर अ गुड राइटर। आपको पढ़ना है, जो भी आप लिख रहे हो गाइस, जो भी आप लिख रहे हो उसे पढ़िए। चलो ठीक है, आप नहीं लिखा, आप नहीं पढ़ रहे, ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो पढ़िए। आप रोड पे जा रहे हो, अपने वॉल पेपर, आपका फोन का वॉल पेपर, आप रोड पे जा रहे हो, खाली बैठे हो, रोड पे जा रहे हो, मतलब व्हीकल पे हो, जैसे व्हीकल पे की गाड़ियां बैठे हो या रोड पे, आप सेफ रोड पे चल रहे हो, उस टाइम पे भी जो है आपके हाथ में, आपके फोन में कुछ ऐसी चीज का आई व्यू करते रहे। एक पायलट भी होता है ना, ऊपर पर से देखते रहे कि हाँ यार ये है। आपको एक मैप याद करना है, आपको केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला याद करना है, आपको फिजिक्स का एक फॉर्मूला याद करना है, कैसे करें? फॉर्मूला बड़ा है, मैं सब हर वक्त आपके सब कॉन्शियस माइंड को फॉर्मूला दिखा दो, फोन के वॉलपेपर पे लगा दो, अपने दीवार के वॉलपेपर पे लगा दो, कहीं भी लगा लो, हर वक्त आपकी आंखों के नजरों के सामने वो होना चाहिए, 2 मिनट में याद आ जाएगा। पहले क्या बोला मैंने, पहले मैंने बोला एक हर दिन का एम्प्टी स्केड्यूल बनाइए। एम्प्टी स्केड्यूल इन द सेंस कि भैया आप जो है कहाँ कहाँ खाली है, जहां पे आप अच्छा प्रैक्टिस पढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि जब आप एम्प्टी स्केड्यूल बना लें, उसके बाद आप लिख के याद कीजिए, या देखिए अगर आप लिख के याद करेंगे तभी आप याद कर पाएंगे। तीसरा, आपने लिख के याद कर लिया, जो आपने याद किया है ना उसे पढ़िए, रीरीड कीजिए। और याद रखिए, इफ यू आर अ गुड रीडर इट मींस यू आर अ गुड राइटर। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो यकीन मानिए आप लिख भी नहीं सकते। जब आप लिखोगे उसके बाद फिर आप राइट करने पे आइएगा, ठीक है। तो चलिए, ये 3-4 चीजें मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं और बात, देखिए और चीजें बताया जाए आपको, ठीक है। तो बहुत बहुत सारी चीजें हैं, अब बात करते हैं लिखने की। मेरे हाथ में ये पेन है गाइस, नो डाउट आपको दिख रहा होगा, ये पेन 10 वाला पेन है, रेनॉल्ड्स का पेन, ठीक है। इसका वेट कुछ भी हो, ठीक है, 5-6 ग्राम 10 ग्राम जो भी होगा। एक 2 रुपये वाला पेन आता है, ठीक है, 1-2 रुपये वाला पेन भी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक 2 रुपये वाला पेन आता है जिसका वजन इस पेन से थोड़ा सा कम होता है। बोर्ड में ये देखिए, ये टिप्स है जिसको आपने फॉलो कर दिया तो कोई नहीं बताने वाला, यकीन मानिए आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। बोर्ड में आप जिस पेन से लिखने वाले हो, जिस भी पेन से लिखने वाले हो बोर्ड में, उस पेन का इस्तेमाल आज से करना स्टार्ट कर दो। अगर आप मान लीजिए कि आप पर हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग बोर्ड से 1 दिन पहले 2 दिन पहले निकालते हैं पेन, वैसे हम नया पेन खरीद के लाएंगे, नया वो खरीद के लाएंगे कि भैया मुझे जो है नया 10 वाला पेन दे दो, 20 वाला पेन दे दो, नहीं करो भाई, बिल्कुल मत करो। आप जब भी पढ़ने बैठते हो तो उसी पेन को खरीदिए जिस पेन से आप बोर्ड में करने वाले हो। 90 डेज है सर, 90 डेज में पेन नहीं खराब हो जाएगा। अरे भाई साहब, उसी पेन के डब्बे आते हैं ना,
₹2 वाला पेन का मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा, ₹2 वाला पेन का डब्बा आता है, आप उस ₹2 वाले पेन के डब्बे को खरीद लीजिए, आगे जिस पेन से ₹2 वाला, ₹3 वाला, ₹10 वाला, जो भी पेन आपको पसंद है, जिस पेन से आप बोर्ड में करने वाले हो उसी पेन का इस्तेमाल आज अभी इसी वक्त से करने वाले, इसी वक्त से करने वाले, जिस भी पेन का आप इस्तेमाल करने वाले। बड़े मोटे पेन का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि एक तो वो हाथ में थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्लिपरी होते हैं और थोड़ा सा भारी होते हैं, हाथ धोने लग जाता है, ठीक है। तो और ये चीज याद रखिएगा। अब इस पेन का कैप है, इस कैप का कुछ तो वजन होगा, निकाल दो, हटा दो, कैप निकाल के करिए, कैप डाल के मत कीजिए, कैप का कुछ तो, अपने हाथ को जितना लाइट रखोगे आप उतना अच्छा है। आप ज्यादा जो है पेन को भारी मत रखिए, हल्के पेन से, हल्के हाथों से बिल्कुल लिखिए। ₹2 वाला पेन सबसे बढ़िया, ₹3 वाला पेन सबसे बढ़िया है, ठीक है, ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। धक्का निकालिए, कैप निकालिए। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, मैं आपको बताया, मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है, हजारों बच्चों में से मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम पता क्या आती है, वो प्रॉब्लम आती है सर 3 घंटे जब मैं पेपर कर रहा था ना तो मेरे हाथ दुख रहे थे सर, ठीक है, हाथ मेरे जो है बहुत दुख रहा था, मैं लिख ही नहीं पाया। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि प्रैक्टिस नहीं। जिस आंसर शीट पे आप बोर्ड में लिखने वाले हो उस आंसर शीट को बोर्ड में देना जरूरी है क्या? पेन दे सकते क्या? देख सकते हो ना, तो देखते क्यों नहीं? हाँ जी, मिलते हैं, मार्केट में जाइए, अभी स्टार्ट हो जाएंगे सैंपल में मिलना, आंसर शीट मिलना, मार्केट में जाइए, मार्केट में आप आंसर शीट लेके आइए, बाय कर लीजिए आज ही। और आप कोई भी चीज, मैंने आपको बताया कि जो भी आप लिखोगे लिख के प्रैक्टिस करो, तो जो भी आप लिखोगे वो आंसर शीट पे लिखिए, कॉपी छोड़ दीजिए, कॉपी के काम जब भी आप कुछ प्रैक्टिस करो कॉपी को साइड में कीजिए। कॉपी का दिन गया, आपको कॉपी नहीं मिलेगी बोर्ड में करने के लिए, ले बेटा कॉपी भर, नहीं, आपको आंसर शीट मिलेगा। तो अगर आपको आंसर शीट मिलेगा तो आंसर शीट आज ही खरीद लो ना, बोर्ड में क्यों देखना है? इससे प्रैक्टिस होती है, इससे हमें समझता है कि हमारी कहां गलती चल रही है, मुझे कितना स्पेस में लिखना चाहिए, कितना स्पेस में नहीं लिखना चाहिए। और ट्रिप सुनिएगा, याद रखिएगा, अगर आप सब कुछ लिख रहे हो, सब कुछ नोट कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आप लिखते रहिए, ठीक है, ठीक है। तो अब यह पेन ले लिया हल्का, लिखने की प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, लिख रहे हैं, कॉम्बो ले ली, स्क्रीट ले ली, स्क्रीट पे लिख रहे हैं। अब एक और चीज जो आपको करनी है, वो सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो ये है पेंसिल। बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड आपको स्ट्रिक्टली एक बात बोलता है, वो ये कि भैया गलती से भी 2 पेन का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपके पास, जब आप बोर्ड में जाओगे तो एक ओएमआर शीट मिलती है, उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, उस इंस्ट्रक्शंस में 4th या 5th इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिंपल सिंपल होता है कि आप सीबीएसई में 2 पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप किसी एक पेन से लिखिए, ब्लू हो, ब्लैक हो, डजंट मैटर। याद रखिए, ग्रीन पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप और रेड पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, ठीक है, ब्लू और ब्लैक में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। ये सीबीएसई हमसे कहता है, ये बात मैंने आपको बता दी, ये बात बच्चों को बोर्ड में चलती है। अब हम लोगों की पता आदत क्या है, हम लोगों की आदत है कि हम लोग जो है ना हाईलाइट करके लिखते हैं, ब्लैक से लिखते हैं, फिर ब्लू से लिखते हैं। अब वही चीज बोर्ड में भी अप्लाई करेंगे, ब्लैक से लिखेंगे, फिर ब्लू से लिखेंगे। मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। आप लीजिए पेंसिल, पेंसिल सर, पेंसिल तो बहुत हल्की होती है। आप लिखिए, आप लीजिए पेंसिल 3B, ये जो आप पेंसिल यूज करते हो, अगर यहाँ पे पेंसिल है तो, अगर आप पेंसिल यूज करते हो तो वो पेंसिल होती है HB पेंसिल होती है। आप लीजिए 3B पेंसिल, 2B पेंसिल, 6B पेंसिल, मोटी पेंसिल होती है, उसका जो उसको लिखने का तरीका होता है बड़ा मोटा होता है, मोटा होता है। तो आप जो है HB पेंसिल ना लिख के 3B या 4B पेंसिल आज ही खरीद लीजिए, आज ही गाइस। अब क्या करना है आपको, आपने ब्लैक पेन लिया मत लीजिए, आप उसके लिए क्या लीजिए, आप उसके लिए लीजिए 3B पेंसिल, 4B पेंसिल, उससे हाईलाइट कीजिए, उससे मेन पॉइंट लिखिए। याद रखिएगा, जब आप मेन पॉइंट लिखोगे तो ब्लू से लिखना है, लेकिन आपको कोई भी चीज हाईलाइट करनी है उससे पेंसिल से हाईलाइट कीजिए। अब देखो, मान लेते हैं कि आप बोर्ड में लिख रहे हो और आप लिखते लिखते आपको लग रहा है शिट मैन, जो मैं अब लिख रहा हूं ये पॉइंट सबसे पहले आना चाहिए था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब यार मैं काटू मत हूं नहीं, तो मैं क्या करूं? पेंसिल से हाईलाइट कीजिए, मतलब टीचर को दिखाइए कि भैया देखो देखो मैं ये चीज लिख रहा हूं, हाईलाइट कीजिए उस चीज को। अगर आप हाईलाइट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? जिंदगी में देखिए, आप कोई बुक पढ़ते हैं, बुक में अगर कोई चीज हाईलाइट मिल जाए बड़े चलते आपसे जिंदगी में, लोग पूछते हैं अपना बेस्ट मोमेंट बताओ, जरा पूछते हैं कि भैया आप 19 साल के 18 साल के चुके हो, 18 साल की जिंदगी बताओ, नहीं, बेस्ट मोमेंट पूछते हैं। तो आपको लगता है सीबीएसई का जो टीचर पेपर चेक करेगा वो क्या देखेगा? पूरी कहानी नहीं, बेस्ट मोमेंट, बेस्ट जो आपने लिखा है लाइन, तो बेस्ट लाइन अगर आपने आखिरी में लिख दी बाई चांस तो हाईलाइट कीजिए
और हाईलाइट कैसे करना है, हाईलाइटर से बात करना, लोग हाईलाइटर से कहानी बनाने लगते हैं। नहीं भाई साहब, जब दो पेन मैन है तो हाईलाइटर भी मैन होगा, आपको जो है पेंसिल से हाईलाइट करना। आप जो है सीबीएसई से, अगर आप है, नो डाउट सभी सीबीएसई से, तो सीबीएसई एक अमाउंट चार्ज करती है, ठीक है, लास्ट ईयर चार्ज नहीं किया था या 50% डिस्काउंट था क्या था, लेकिन सीबीएसई एक बेसिकली अमाउंट चार्ज करती है उसका, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम का अमाउंट चार्ज करती है। सो कॉल्ड जो आपका आंसर होने वाला है ना वो 100 रुपए का होगा, जो आप चार्ज करती है अमाउंट वो उसमें 100 रुपए का पड़ जाता है। आप 100 रुपए दे रहे हो लिखने के लिए, आंसर शीट लिखने के लिए, पूरा इस्तेमाल कीजिए 32 पेजों की आंसर शीट होती है, 32 के 32 पेजों का इस्तेमाल कीजिए। आपको पता है केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, मैथ, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इंग्लिश में सबसे बड़ी बात हर सब्जेक्ट में एमसीक्यू आती है, इंग्लिश में तो 50% एमसीक्यू है, ठीक है। अब 50% एमसीक्यू है, अब 50% एमसीक्यू को हम सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखो मैं कहने का मतलब यह सॉल्व कैसे करेंगे अभी बाद में करते हैं, कि अगर आप एमसीक्यू का यहाँ पे सपोज करते हैं आंसर शीट है, अब देखो एक लाइन में कम से कम 20 या 21 लाइनें होती हैं, 21 एमसीक्यू 21 लाइनों में एक ही पेज में खत्म हो सकते हैं, बिल्कुल सकते हैं। एबीसीडी का आंसर नहीं करना, प्रॉपर स्पेस देखेगी, प्रॉपर स्पेस देखेगी कि नहीं यार मुझे एक, आपके एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि मुझे एक पहली शीट पे कम से कम 5 या 6 एमसीक्यू करने, प्रॉपर स्पेस दीजिए, प्रॉपर स्पेस, ठीक है। उसके बाद दो लाइन छोड़िए ऊपर, दो लाइन छोड़िए नीचे, दो लाइन छोड़िए यहाँ पे, लाइन कीजिए प्रॉपर, अंडरलाइन कीजिए। और हम लोग, हमारी आदत होती है कि हमारी आदत होती है वो ये, देखिए गाइस क्या है कि अगर कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, तो आप उसे इग्नोर कीजिए ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब अगर हमारी टीम हमारे साथ है, ठीक है, अनअकैडमी टीम, तो प्लीज अगर किसी को ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है, बाकी आप लोग इग्नोर कीजिए गाइस, ठीक है, डजंट मैटर, ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है कि कोई क्या सुन रहा है, क्या नहीं बोला। अगर हमारी टीम यहाँ पे है तो प्लीज उसे जो है ब्लॉक कीजिए जो भी यहाँ पे है, ठीक है। तो बाकी टीम ने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, नहीं किया वो तो कर देगी, और नहीं किया तो मैंने बोला ना भाई साहब इस पे फोकस करो, इस पे नहीं, ठीक है। ये तो चाहिए, ये तो सिखाते हैं हमें जिंदगी में लोग, जिंदगी में यही लोग सिखाते हैं हमें कि हमें किस पे फोकस करना चाहिए, आप इस पे फोकस कीजिए, ठीक है, इसको इन सब चीजों को छोड़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ को चलिए। तो यकीन मानिए उसका जवाब जो बंदा दे रहा है, जो भी कमेंट कर रहा है, मैं तो पढ़ेंगे, मैं तो पढ़ेंगे, अगर आप उसका जवाब इग्नोरेंस देंगे ना तो आपकी लाइफ में बड़ी कामयाबी होगी, ठीक है। जिंदगी में भी सीखिए, ठीक है, कि एक और मैं चीज डालूंगा, बी स्पीकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीकिंग। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ अपने आप, बहुत सी चीजें सेम चीज से बोल देता हूँ, क्या बोलना है इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या नहीं बोलना वो इंपॉर्टेंट, तो किस चीज को इग्नोर करना है वो बजाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार्ट कीजिए, तो मैं बात कर रहा था आपको लाइन छोड़ने की, प्रॉपर लाइन छोड़िए। हाँ, मैं बात कर रहा था आंसर्स की, हम लोग की आदत होती है आंसर साइड में लिखने की, मत कीजिए आंसर, आंसर सीट के बीचों बीच लिखिए। बहुत बार क्या होता है टीचर्स प्रेशर में आके या जल्दबाजी में आके कुछ आंसर बाई चांस, रेट और चांस, ये चांसेस कुछ हो सकते हैं, आंसर चेक करना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, एक आंसर गलती से देखा नहीं, मिक्स होते हैं ना, लाइन नहीं छोड़ रखी हमने, प्रॉपर स्पेस नहीं रखा हमने। तो जब भी आप आंसर लिखें, जब भी आप आंसर लिखें तो आप जो है आंसर बीचों बीच लिखिए, आंसर नंबर वन, A1, A1S1 नहीं, प्रॉपर लिखिए ANSWER आंसर वन, प्रॉपर लाइन कीजिए। सर क्या बात कर रहे हो, मैं A1 लिखूंगा मुझे लगेगा एक सेकेंड, मैं ANSWER आंसर वन लिखूंगा मुझे लगेगा 5 सेकेंड 10 सेकेंड, मैं 10 सेकेंड क्यों वेस्ट करूं, दिमाग में आता है बिल्कुल आना चाहिए। 90 दिन बचे हैं, 90 दिन में आपका एजेंडा पता क्या होना चाहिए, आपका एजेंडा ये होना चाहिए कि मुझे पढ़ना भी है और मुझे प्रेजेंटेशन भी सीखनी है। और प्रेजेंटेशन का सबसे पहला रूल ये है कि कभी भी आंसर को ANS मत लिखो, आंसर को ANSWER लिखो, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपको प्रॉपर आंसर लिखना है, आंसर नंबर वन, आंसर नंबर टू, आंसर नंबर थ्री, आंसर नंबर फोर, ठीक है, स्पेस दीजिए, ये कीजिए। तो अगर आप जब बोर्ड का आंसर लिख रहे हो, अभी देखो आपको सर बोर्ड 90 डेज बाद बताना, नहीं भाई साहब, आपको अभी इसी वक्त प्रैक्टिस करनी है। आज से जब आप जो भी आंसर लिख रहे हो उससे आप आंसर पे लिखेंगे, बीचों बीच लिखेंगे, प्रॉपर स्पेस छोड़ के लिखेंगे, प्रॉपर लाइन छोड़ के लिखेंगे, प्रॉपर अंडरलाइन करेंगे, फोर भी पेंसिल आज ही खरीदेंगे, ठीक है गाइज। तो ये सारी बातें हैं, और बातें सुन लीजिए अभी, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत सारे खजाना है मेरे पास, ठीक है जी। तो अभी आपने प्रेजेंटेशन पर ध्यान दे लिया, अभी आपने जो है बोर्ड को क्रैक करने के बारे में कैसे लिखना है वो सीख लिया आपने,
अब सर ये बताइए पढ़े कैसे, 90 दिन बचे हैं, 265 दिन तो निकाल दिए या 275 दिन तो निकाल दिए, अब 90 दिन में ऐसा क्या पढ़े कि सीबीएसई के टॉपर बन जाए। तो एक बात बोलूंगा मैं आपसे, देर इज नो शॉर्टकट। याद रखिए शॉर्टकट, SHORTCUT, शॉर्टकट वर्ड के आगे ही एक वर्ड लिखा हुआ है, डेट इज शॉर्ट, छोटा। जिंदगी में कभी भी अगर आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं गाइस, तो यकीन मानिए वो शॉर्टकट शॉर्ट है, कम समय के लिए। इग्नोर दिस शॉर्टकट, इज नो शॉर्टकट। अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको टॉपर बनना है, तो शॉर्टकट कुछ नहीं है। मैं आपको बोल दूं कि ये लो रामबाण, ये लो भैया एक पेज पढ़ लो 95 पक्के, इस दवाई को जो है पानी में मिलाओ और पी जाओ, भाई सब सीबीएसई टॉपर बन जाओगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। शॉर्टकट का इस्तेमाल मत कीजिए, प्रॉपर आपके पास 24 घंटे। अच्छा चलो एक चीज मैं आपको स्कीम बता दूं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे एक चीज एकदम से याद आ गई कि डेली आपको जो है 24,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में मिलने वाले हैं। सच में मजाक नहीं, डेली रात के 12 बजे 24,000 रुपए आपको आपके बैंक अकाउंट में मिलने वाले हैं, लेकिन सर इमीडिएट, मैं तभी दूंगा उस इंसान को दूंगा जब आप 24,000 रुपए एक दिन में खर्च कर लोगे। मैंने आपको बोला कि अगर आपने 24,000 रुपए एक दिन में खर्च नहीं किए, तो अगले दिन वो 24,000 आपसे छीन लूंगा मैं, या जितने भी बच्चों को छीन लूंगा, और बाकी फिर नए 24,000 दे दूंगा। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई साहब मैं हर दिन वो 24,000 रुपए खर्च करूं, ताकि अगले दिन दोबारा 24,000 उसको यूज कर सकूं। ऐसा तो नहीं आएगा ना कि 24,000 मिल रहे हैं यार 10,000 खर्च कर पाया, नहीं भाई साहब, पूरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करोगे आप, 24,000 को खर्च करोगे। सर कब दे रहे हो, दे तो रहे, दिया तो है, किसने, भगवान ने। वो 24,000 रुपए कुछ और नहीं, आपके 24 घंटे हैं। भगवान आपसे बोलता है कि डेली आपके बैंक अकाउंट में मैं 24 दे देता हूं, हाँ जी मैं 24 घंटे डेली आपके बैंक अकाउंट में दे देता हूं। अब आप ही खर्च नहीं कर पाते, अरे आपको 5,000 खर्च करने, 10,000 खर्च करने, भगवान ले लेता है बाकी 24,000, फिर दोबारा 24,000 देता है। तो जब डेली आपको 24,000 रुपए मिल ही रहे हैं, तो क्यों नहीं खर्च करते। यकीन मानिए आप 90 दिन बहुत होते हैं यार, जब जागो तब से वाली कहानी यहां तो नहीं चलेगी खैर, लेकिन 90 दिन बहुत होते हैं, 90 डेज आप प्रॉपर चीजों को याद कीजिए, यहां पे शॉर्टकट का इस्तेमाल मत कीजिए। नो डाउट पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि क्रिएट माइंड मैप्स, डोंट फॉलो माइंड मैप्स, क्रिएट माइंड मैप्स। या देखिए अगर मैंने आपको एक माइंड मैप सेंड कर दिया कि ये माइंड मैप है, ठीक है सर पढ़ लो, कोई यूज नहीं होगा, बिल्कुल जीरो यूज है, बिल्कुल जीरो, डस्टबिन में फेंक दो। क्रिएट माइंड मैप्स, जब भी आप अपना चैप्टर, चाहे इंग्लिश का हो, केमिस्ट्री का हो, साइंस का हो, बायो का हो, मैथ का हो, अकाउंट्स का हो, बीएससी का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, जब कोई भी सब्जेक्ट का आप चैप्टर खत्म कर दो, ठीक है प्रॉपर पढ़ के, क्रिएट माइंड मैप, आप उसका प्रॉपर एक माइंड मैप बनाइए। अब माइंड मैप आपको पता होगा कैसे बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्म ट्री बनाइए, पे बनाइए, माइंड मैप बनाइए, चार्ट बनाइए, पाई बनाइए, जो भी बनाना बनाइए, एक माइंड मैप बनाना बहुत जरूरी है। वो माइंड मैप को हमेशा अपने साथ रखिए, जब तक वो चैप्टर आपको अच्छे से याद नहीं होता, याद रखिए हाथ या किस प्रकार है हाथों को, तो जब आप चैप्टर को अच्छे से हाथों से याद कर लेंगे, उस माइंड मैप को हमेशा अपने साथ रखिए, कहीं आपके पास अगर नोटिस बोर्ड हो या कुछ भी हो वहां पे चिपका दीजिए। समाप्त करते हैं क्या चीज मैंने बोला, कैसे पेपर को अच्छा मार्क्स लाने हैं, मोटिवेशन से स्टार्ट करें, तो भैया हमेशा जो है अपने आप चैलेंज का सामना कीजिए, ठीक है अगर आप लिख रहे हैं तो वेरी गुड है, चैलेंज का सामना कीजिए। दूसरा मैंने आपको बताया कि भैया अपने कंफर्ट जोन को, अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटा दीजिए, फाइंड आउट कीजिए अपने कंफर्ट जोन को, उसके बाद फाइंड आउट कीजिए अपने एम्पटी स्पेस को कि आप कहाँ खाली हो, वहां पे यूज कीजिए उसको, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, जब आप अपने फोन को डिस्ट्रैक्ट करोगे, जब अपने फोन को हटाओगे, सो को डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, फोन से फोन को हटा दोगे, बहुत टाइम बचेगा आपके पास, सोशल मीडिया को हटा दीजिए, बहुत टाइम बचेगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद बिलीव इन योरसेल्फ, मैंने आपको बताया अपने पर विश्वास रखिए। इसके बाद जब आपने सब चीजें कर ली, पेपर पे लिखने बैठे हो, तो पेपर खरीद लो भाई, आज ही खरीद लो, और आज ही पेन खरीद लो, और आज ही पेंसिल खरीद लो। आपका तो ऑब्वियसली बता, रात को नहीं, ठीक है, आपका सुबह का काम गाइस यही होना चाहिए, लाइव रात में है तो रात को मैं बोल रहा हूँ, आपका सुबह का काम यही होना चाहिए कि सुबह उठते ही आपको आंसर शीट खरीदनी है, सुबह उठते ही आपको पेन का डब्बा खरीदो, चाहे पेन खरीदो, पेन खरीदना ही खरीदना है, और आपको पेंसिल खरीदनी ही खरीदनी, और जब भी आप लिखो उसी आंसर शीट पर लिखो, जब भी आप लिखो उसी पेन से लिखो, और जब भी आप
आंसर लिखो तो ANSWER आंसर बीचों बीच बोल्ड और कैपिटल में लिखो। होगा 19 बार बोर्ड भाई, हमारा आज से स्टार्ट है। मैंने बताया नहीं क्या, अब बताता हूं। लेट्स क्रैक, हमारे अनअकैडमी की थीम भी यही है, लेट्स क्रैक गाइस। अब क्रैक एक दिन में नहीं होता। एक बार एक पेंटर मिले, ठीक है, एक मतलब एक लेखिका थी, मतलब एक लेखिका कह रहा हूँ, एक लेडी थी, ठीक है, एक लेडी रोड पे जाती है तो वो देख लेती है एक इंसान को, वो कहती है हे, आप तो वही है ना दुनिया के सबसे मशहूर पेंटर। तो वो कहता है हाँ जी मैं वही हूँ। कहता है मैंने आपको पहचान लिया, आप ऐसे छुप के बैठे होते लेकिन भी मैंने आपको पहचान लिया, वो स्ट्रीट पेंटिंग करता बेसिकली, तो आप मेरे लिए प्लीज एक पेंटिंग बनाइए ना। तो कहता ठीक है ठीक है, बस सोल मत बचाइएगा, ठीक है मैं स्ट्रीट पेंट आपके लिए एक पेंटिंग बना देता हूँ। तो वो जो दुनिया का सबसे बड़ा पेंटर था, ठीक है, वो अपनी स्ट्रीट निकालता है और 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर उस एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग बना के दे देता है। वो लेखिका जो है, जो लेडी थी सॉरी, वो लेडी जो उस पेंटिंग को ले लेती है और ले जाती है, और उसके बाद फिर वो लोग दिखाते कि भैया ये पेंटिंग है। वो पेंटिंग $20 अरब में बिकने जाती है, $20 अरब। वो लेडी बड़ी खुश होती है, $20 अरब उसे बेचती नहीं है उस पेंटिंग को। वो दोबारा से उस बंदे से मिलने की कोशिश करती है, उस राइटर से मिलने की कोशिश करती है, उस पेंटर से मिलने की कोशिश करती है। जैसे तैसे उस पेंटर से भी मिल जाती है और कहती है आपने उस दिन 10 सेकंड में $20 अरब की पेंटिंग बना दी, मुझे भी सिखाइए कि 10 सेकंड के अंदर कैसे इतनी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। डेस्पर उसने क्या बोला, उसने बोला कि 10 सेकंड की पेंटिंग के लिए मेरी 10 से 20 साल की मेहनत है। याद रखिए 3 घंटे के पेपर के लिए आपके 365 दिन की मेहनत है, ठीक है। तो अगर आपको 365 दिन तो आप यूज नहीं किए, 375 दिन खत्म हो गए, तो आपको अगर 90 दिन यूज करने हैं तो याद रखिए ये 90 डेज ही या तो आपको टॉपर बनाएंगे या आपको टॉपर नहीं बनाएंगे, एज सिंपल एज दैट। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आप जो है मेरे जो बताए हुए चीजें हैं, जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उस पर फॉलो करेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये नहीं कि हमारी क्लास होगी खत्म, नहीं, हम डेली लाइव आने वाले हैं, हम डेली आने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए RD001 सब्सक्रिप्शन प्लान लीजिए, प्लस लीजिए, ठीक है। लाइव में डेली यूट्यूब पे आने वाला हूँ, डेली जो है हमारी अनअकैडमी जो है वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए राहुल द्विवेदी। अगर आपको थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रहा हो क्योंकि अभी नया नया मैं आया हूँ उस पे एजुकेटर ऐप पे, तो अगर आपको अनअकैडमी में ढूंढने की दिक्कत हो रही है, डजंट मैटर, ए यूजर में मिल जाएंगे। बोला ये है कि नाम नहीं सुना क्या, कोई बात नहीं, अब सुनना ही सुनना है, ठीक है। तो अगर आपको अनअकैडमी पे नाम अभी नहीं मिल रहा है तो बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको, जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो में कमेंट तो आप लोग इतने देर से प्यारे से प्यारे कमेंट करे जा रहे होते हैं, मैं बड़ा खुश हूँ आपके कमेंट से, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, ठीक है। और RD001 10% डिस्काउंट है, ठीक है, और थैंक यू सो मच गाइज। मैं दोबारा बोलता हूँ, जिंदगी में आपको कामयाबी दिलाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है जो आपको कामयाबी दिला सकता है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है जो आपको कामयाबी जिंदगी में दिला सकता है। वो कामयाबी दिलाने वाला इंसान कौन है? यू। सक्सेस की स्पेलिंग क्या होती है? सक्सेस का दूसरा वर्ड क्या है? SU। तो कामयाब होना है तो बिलीव इन योरसेल्फ, और हाँ अपने आप से कह दिया करो 95 आ जाएंगे, CBSE के टॉपर बन जाएंगे। जिस दिन आपने अपने आप से कह दिया, यकीन मानिए उस दिन से आप CBSE के टॉपर बन गए। टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको सीट लेनी है, पेन लेना है और प्रॉपर आंसर लिखने हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अच्छे अच्छे काम कीजिए, माँ बाप का बड़ा नाम कीजिए, और टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता। और गाइस जल्दी से, और वेरी गुड, भारत माता। चलिए गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं बहुत जल्दी दोबारा से एक नई क्लास में। और अब हम लोग पढ़ाएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स, हो चुकी हैं, दोबारा कभी बाद में मोटिवेशन सेशन या टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी तो देंगे। बाकी मुझे पता है आप मेरी चीजों पे अमल करोगे और आपको जरूरत नहीं पड़ेगी टिप्स एंड ट्रिक्स की दोबारा से, ठीक है गाइस। इन्हीं शब्दों के साथ अलविदा लेते हैं, बाय बाय गाइस।